ले सकते हैं, ये बिल्कुल आउट हो चुके हैं ये लोग, अब इनका कोई भविष्य ही हमारे को दिखाई नहीं देता हुआ दिख रहा है। इन्होंने जैसे युवा लोगों को अंधकार में फेंकने का काम किया, अभी तो आधा घंटा आप रुको, आप देखते रहना, आपको रोड तक नहीं दिखाई देगी दूर दूर तक, अभी काफी जल्द। किशोर शर्मा के नॉमिनेशन में मैं भी लगभग 2 से 3 हज़ार वो तो कॉल कर करके लोगों को, उनके अभी वीडियो लीक हुए, कॉल कर रहे थे आप रैली में आना, हमने खली को नहीं बुलाया, हमने अनुराग ठाकुर को नहीं बुलाया, हमने दिल्ली से किसी को नहीं बुलाया, लोकल बंदों का प्यार देखो, अभी उससे ज्यादा लोग हैं, और अभी आप आधे घंटे में देखते रहना बिल्कुल साइलेंट वोटर इनको आउट करेगा, और भल्ला साहब लाल सिंह जी भारी मतों से जीत कराएंगे, इनका कोई नाम नहीं। उनको कहने दो, उनको कहने दो, उनके पास कहने के सिवाय कुछ नहीं बचा हुआ, लोग उनके पास है नहीं, उनके रिश्तेदार भी उनको वोट नहीं देंगे, यहाँ तक फ्रस्ट्रेशन में वो भी हमको वोट ना दे आए, हमको ऐसा लगता है वो आउट हो चुके हैं, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन भाजपा का कहना है कि हम नरेंद्र मोदी के नाम का वोट मांग रहे हैं, आप राहुल गांधी के नाम का वोट मांग रहे हैं। देखो हम भल्ला साहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं क्योंकि स्थानीय मुद्दों के ऊपर हमारे स्थानीय नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हर जगह मोदी जी को लाने की, राहुल जी को लाने की जरूरत नहीं है, हम वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मांगेंगे, हम अपने कामों के ऊपर वोट मांग रहे हैं जो हमने डोगरा लोगों के लिए काम किया, और ये लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं, ये डोगरा बनाम भाजपा है, डोगरों को रियासत प्यारी थी, इन्होंने रियासत तोड़ दी, टैक्स लगा दिए, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, अब बस जनता इनकी कमर तोड़ते हुए दिखाई देगी और भाजपा एक कहानी में लिप्त हो जाएगी। कि एक बार आज रमन बालाजी फार्म भरेंगे जहाँ मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन के लिए, आप देख रहे हो कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं, और आज ही फैसला हो जाएगा मेंबर पार्लियामेंट भल्ला साहब जो हैं वो बनेंगे, और बीजेपी वालों की इस बार लोग जमानत जब्त करवाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो महंगाई की है, आज लोगों को महंगाई की मार जो झेल रहे हैं लोग, इसके साथ साथ शराब के ठेके जम्मू शहर के अंदर बाहर गांव तक इन्होंने खोल दिए हैं, ऐसे ही किसानों की बुरी हालत कर दी इस सरकार ने, आज दुकानदार परेशान हैं ये देखते हुए, आज लोग घरों से बाहर निकले हैं, भल्ला साहब का फार्म भरवाने के लिए लाखों की तादाद में लोग जाएंगे, और बीजेपी की हार पक्की है, निश्चित है, और बीजेपी हारेगी, 6 सीटें हारेगी। नशा इतना बढ़ गया इसके बारे में, हाँ जी नशा इतना बढ़ गया है, नशा 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 नशा, क्या बोला, नशा 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 बहुत बढ़ गया, मैंने पहले बोला है कि इन्होंने इतने नशे की दुकानें खोल दी के रख दी हैं कि बर्बाद कर दिया इन्होंने यूथ को, चिट्टा चल रहा है आज, यूथ पढ़ लिख करके बेकार घूम रहा है, कोई नौकरी नहीं है, इन्होंने लारा लगाया था लोगों को, 2-2 करोड़ नौकरियां दे के साल को, 2000 भी नौकरी नहीं साल में दी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और इसलिए लोगों को बहुत रोष है, गुस्सा है, ये गुस्सा अब इस इलेक्शन में निकालेंगे, और निश्चित तौर पर बीजेपी हारेगी। शुक्रिया। आज दुख दूर करने के लिए रमन भल्ला जी आ गए हैं, रमन भल्ला इस बार जीत के आएंगे, और जनता जितना आपने देखा है, जनता हमेशा रमन भल्ला के साथ, दिल जान से रमन भल्ला के साथ रही है, आप रमन भल्ला जी के 12 मिनट पुरानी आप देख सकते हैं, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी जो उनकी 12 मिनट 50 साल एडवांस में कर दी थी, उनका जनता ने खुद माना था कि उनको पिछली बार वोट नहीं देके उनको गलती नहीं की थी, इस बार उन्होंने फैसला किया है कि रमन भल्ला जी को वोट देंगे, और इस बार रमन भल्ला जी के जिताएंगे, आप देख सकते हैं रमन भल्ला, कैसे देख रहे हैं आज आप? आज हमारे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं रमन भल्ला जी, उनका जो नॉमिनेशन फार्म है वो हम भरने के लिए जा रहे हैं, आप देख रहे हो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जितने भी इस वक्त हमारे कांग्रेस के वर्कर यहाँ हैं उनमें कितना जोश है, जज्बा है, और मुझे उम्मीद है कि ये जम्मू वाली सीट और कठुआ वाली दोनों जो सीटें हैं ये हम जीतेंगे, भारी अक्सरियत से कांग्रेस जो है ये दोनों सीटें जो है वो जीतेगी इंशाल्लाह, इंडिया अलायंस के तहत ये दोनों सीटें जो है वो जीतेगी इंशाल्लाह। पेपर फाइल करने नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, और हमारा जम्मू नॉर्थ से काफ़ी हजूम जहाँ पर इकट्ठा हुआ है उनका वेलकम करने के लिए और उनके पेपर फाइल करवाने के लिए,
अभी दो दिन पहले हमने हजारों में एक पब्लिक मीटिंग की थी बल्ला साहब के लिए। आज हमारे जम्मू नॉर्थ से सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे साथ उदय बानू चिप जी हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पहले, रजनी बाला जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं और सब साथी जितने भी हैं जम्मू नॉर्थ असम्बली सेगमेंट से ये सारी दुनिया आई हुई है। तो मैं ये उदय बानू चिप हैं, मैं कहूँगा ये आपसे बात करें। नमस्कार, आज जम्मू नॉर्थ से हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि उनको वैसा कैंडिडेट मिला जो लोगों के बीच रहता है, वैसा नहीं जो मोदी जी के नाम पे वोट ले ले और 10 साल तक जम्मू के लोगों का ना हाल पूछे ना चाल पूछे और दिल्ली में ये बोल दे कि सतवारी से लेके बरनाई तक मेट्रो भी शुरू हो गई है। तो वैसे नेता नहीं चाहिए, जो ग्राउंड से जुड़े नेता हैं वो चाहिए। और भल्ला भाजपा का तो इस बार कहना है कि अब की बार 400 पार, भाजपा को डर है अगर इस बार 400 पार होता तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज नहीं कराती, दो दो चीफ मिनिस्टर्स को जेल में नहीं डालती। 40 में भी आशंका है, 40 भी पार होंगे नहीं होंगे, अगर 400 पार होता तो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कराने की जरूरत नहीं थी। मोदी जी डरे हुए हैं तभी कांग्रेस को पूरी शक्ति से लड़ने नहीं देना चाहते, चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डालना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। 400 पार होते तो अभी मोदी जी गिरका के सो जाते, क्या दिक्कत थी। देखो सारे की नमस्ते, जिन्हें कि तुसें पता है अज साढ़े शेरे डुगर साढ़े हर दिल अजीज नेता रमन भल्ला जी जेड़े कि जम्मू रियासी सीट के साढ़े नुमाइंदे ने कांग्रेस पार्टी के, अज वो इतों अपना नामांकन पत्र दाखिल करने डीसी दफ्तर जा रहे हैं। तुम पिछे देखो जनसलाब देखो, चाहे युवा ने चाहे महिलाएं ने चाहे बुजुर्ग ने चाहे बच्चे ने, हर एक तबका समाज का हर एक जात हर एक बरादरी हर एक धर्म के लोग जेड़े अज तक भल्ला साहब की नॉमीनेशन फार्म वास्तव इतना आए दिन है। तुम पिछले जनसलाब दिखी सकते हो, भल्ला साहब के प्रति प्यार दिखी सकते हो। ये साफ साफ दसा दा है कि भल्ला साहब ने इस बारी जोड़ा है वो नेस्त नाबूद करी उन्हें बीजेपी का जोड़ा किला बने का है। तुम एक चीज़ देखो, जो साढ़े 10 साल के एम पी साहब ने उन्हें पिछले 10 साल की क्या कारकर्दगी है, उनका तो किन्ने बार तो सी डी एफ जो उन्हें फंड दलता लोगों के काम वास्ते वो भी जब्त हुई है, उनके को भी नहीं लगे। इस जो मोदी के नाम पर वोट लेने वाले बंदे जिंदी कोई अपनी पछाण नहीं है, अज उन्हें अज फार्म भरी है भल्ला साहब ने उनकी पिदाई का जोड़ा है पूरा बंदोबस्त करना है। इस बारी जम्मू में तुम्हें कि इस चीज़ गलाई उड़ा, चाहे उधमपुर की गल करो चाहे जम्मू रियासी की गल करो, इस बारी बीजेपी लखनपुर बाहर जाने वाली है, ये पूरा संदेश साफ है। और बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो आज भल्ला साहब के समर्थन में हैं। मैं यही कहूंगी कि आज का दिन जो है वो बहुत ही खुशियों का दिन है और जोरों शोरों का दिन है। मैं सभी आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करूंगी कि आने वाले दिन जो है वो कांग्रेस पार्टी के ही होंगे, आप सब जो है वो कांग्रेस पार्टी का साथ दें। मुझे लगता टक्कर नाम की तो चीज नहीं, आप देखें कि विवेकानंद चौक से लेकर खोगरा चौक तक कितना जन समूह जो मुड़ा हुआ है, और दूसरा जो 10 साल इन भाजपा के लोगों ने लोगों के ऊपर जो जुल्म ढाए हैं उसका यह जवाब देने के लिए आज सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। और साइड पे आ जाओ भाई, सर क्या कहेंगे आज क्या पार्लियामेंट इलेक्शन पूरे देश भर में हम जा रहे हैं और हमारे 24 तारीख को इलेक्शन है, इसलिए मैं कांग्रेस कैंडिडेट अपना फॉर्म भरने के लिए आज जा रहे हैं, तो साथ हम जा रहे हैं फॉर्म भरने। कामयाब होंगे और भारी मतों से इनकी लीड होगी। ये पूरा गुजर बकरवाल समाज इनके साथ चल रहा है, दिखने में आपको दिख रहा है घोड़ियों के साथ बाजे के साथ। तो मैं सबको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आज भल्ला साहब की नॉमिनेशन तो है बहुत अच्छे तरीके से भरने जा रहे हैं।
साथ है और आज भाजपा को हम ये चेताना चाहते हैं कि जो उसने झूठे वादे किए थे हमारे उम्मीदवार को मुंह तोड़ जाओ, जनता आज उसको मुंह तोड़ जाओ। डिसिप्लिन करने 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 डिसिप्लिन